अच्छा, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दोज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द हिस्ट्री विच आर स्पेसिफिक टू पीडियाट्रिक हिस्ट्री। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है बर्थ हिस्ट्री। आपने उस बच्चे की बर्थ की पूरी डिटेल्स लेनी है। वी डिवाइड द बर्थ हिस्ट्री इंटू प्री नेटल, देन नेटल एंड देन पोस्ट नेटल हिस्ट्री। इन द प्री नेटल हिस्ट्री यू विल हैव टू आस्क हाउ मैनी एंटी नेटल विजिट्स वर देयर, हाउ मैनी एंटी नेटल सोनोग्राफीज वर डन, कितने दफ़ा मदर ने अल्ट्रासाउंड कराया था, कितने दफ़ा माँ हॉस्पिटल गई थी या डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी, माँ को खून लगवाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी थी, माँ को कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुई थी एंटीनेटली, माँ को कोई क्रॉनिक मेडिकल इलनेस तो नहीं है, लाइक इज़ देयर एनी हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, इज़ देयर एनी हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़, इज़ वॉज देयर एनी हिस्ट्री ऑफ एक्लेम्शिया। तो ये सारी आपने पूछ ली। फिर उसके बाद आप नेटल हिस्ट्री पूछते हैं, वट वॉज द मोड ऑफ डिलीवरी, बच्चा कैसे डिलीवर हुआ था, वेदर इट वॉज नॉर्मल वेजाइनल स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी और इट वॉज थ्रू सी सेक्शन और एपिजियोटमी वॉज गिवन। इस तरह से आपने पूछना है वट वॉज द प्लेस ऑफ डिलीवरी, कहाँ पे बच्चा डिलीवर हुआ था, वट वॉज द ड्यूरेशन ऑफ डिलीवरी, क्या ये ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर तो नहीं था, ठीक है, एंड ये सारी आपने हिस्ट्री की, वट वॉज द जेस्टेशनल पीरियड, वेदर द बेबी वॉज फुल टर्म और प्री टर्म, ये आपने नेटल हिस्ट्री में पूछ लिया। एंड देन यू विल हैव टू आस्क अबाउट द पोस्ट नेटल हिस्ट्री पॉइंट्स, वो क्या होते हैं कि वॉज देयर हिस्ट्री ऑफ इमीजिएट क्राई, क्या बच्चा फौरन रोया था, वॉज देयर एनी हिस्ट्री ऑफ पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशंस, कोई बच्चे को किसी कॉम्प्लिकेशंस के साथ एडमिट तो नहीं करना पड़ा था, और अगर करना पड़ा था तो वट वर द कॉम्प्लेंट्स एंड हाउ मैनी डेज ऑफ एडमिशन इट वॉज, और ये सारी डिटेल्स आपने उससे पूछनी है। तो बर्थ हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन इज द डेवलपमेंटल हिस्ट्री। अच्छा, हिस्ट्री टेकिंग क्यों आर्ट है, क्योंकि आपको डिसाइड करना होता है कि इन विच केस यू विल हैव टू टेक और प्रोब डीपली इनटू विच सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है वो डेवलपमेंटली डिलेड है, या एक बच्चा है जो सेरिब्रल पाल्सी का केस है, सो यू वुड हैव टू टेक डेवलपमेंटल हिस्ट्री इन मच डिटेल। तो डेवलपमेंटल हिस्ट्री को आप क्या करते हैं, चार उसमें क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं। वन इज ग्रॉस मोटर, देन इज फाइन मोटर, देन इज लैंग्वेज एंड स्पीच, एंड फाइनली सोशल डेवलपमेंट। तो फर्दर मैं बता देता हूँ व्हाट इज ग्रॉस मोटर। ग्रॉस मोटर में आपने पूछना है कि बच्चे ने गर्दन संभालनी कब शुरू की थी, बच्चा सहारे के साथ बैठना कब शुरू किया था, बगैर सहारे के बैठना कब शुरू किया, खड़ा होना कब शुरू किया, चलना कब शुरू किया, सीढ़ियाँ कब चलता था। तो हर एक में आपने डिफरेंट पूछना है। सिमिलरली आपने फाइन मोटर में पूछना है कि बच्चा चीज़ों को हाथ में पकड़ना कब शुरू करता था, बच्चे ने खाना पीना कब शुरू किया था, सेल्फ फीडिंग कब स्टार्ट की थी, ठीक है, वेदर द बेबी कैन ड्रेस और अनड्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ये दिस इज फाइन मोटर। देन लैंग्वेज हिस्ट्री, उसमें आपने पूछना है बच्चा बोलता है, कितने अल्फाज बोलता है, इसको एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें पूरी इनके बारे में पूरी डिटेल्स बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपने पूछना है कि बच्चे ने बोलना कब शुरू किया था। अच्छा, पहले अम्मा अब्बा कब कहता था, अ चाइल्ड ऑफ वन ईयर ऑफ एज कैन अटर वन वर्ड अदर देन मामा एंड पापा, अ चाइल्ड ऑफ अ बेबी ऑफ टू ईयर्स ऑफ एज कैन अटर टू वर्ड सेंटेंस लाइक दे दो, ले आओ, फेंक दो, ठीक है, टू वर्ड सेंटेंस। अ चाइल्ड ऑफ एज ऑफ थ्री ईयर्स कैन अटर थ्री वर्ड सेंटेंस लाइक मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, मुझे ले जाओ, ठीक है, थ्री वर्ड सेंटेंस वो बोल सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। ऑनवर्ड यू विल हैव टू टेक द हिस्ट्री ऑफ सोशल, व्हाट वाज द सोशल हिस्ट्री, बच्चे ने स्माइल कब स्टार्ट की थी, एंड सोशल डिफरेंट डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं वो आपने सारे पूछने हैं। इसके बाद आपने इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री पूछनी है। इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन हिस्ट्री इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन पीडियाट्रिक्स। बच्चे को हिफाजती टीके लगे हैं, तो हिफाजती टीके लगने के लिए आपने कोई कार्ड बनाया था, पहला हिफाजती टीका कब लगा था, आपको पूरी हिफाजती टीकों की, पाकिस्तान में EPI का स्केड्यूल यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एट बर्थ BCG एंड ओरल पोलियो वैक्सीन आर गिवन, एट 6 वीक्स, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स, पेंटावेलेंट,
देन रोटा वायरस वैक्सीन इज़ गिवन, और इस तरह से एट 9 मंथ्स मीज़ल वैक्सीन इज़ गिवन। ये सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, इस पर भी एक अलहदा हम वीडियो बनाएंगे। तो आपने उससे पूछना है और डॉक्यूमेंट करना है कि वेदर द बेबी इज़ पार्शली इम्यूनाइज और द बेबी इज़ कम्प्लीटली इम्यूनाइज एज़ पर ई पी आई स्केजुअल। इसके बाद आपने उससे पूछनी है फीडिंग और डाइट्री हिस्ट्री। फीडिंग हिस्ट्री में 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहले आप बच्चे से पूछेंगे फॉर हाउ लॉन्ग द बेबी वॉज एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड। पहले 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए। अगर पहले 6 महीने में बच्चे को सिर्फ माँ का दूध मिला है तो यू वुड से द चाइल्ड वॉज एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड फॉर 6 मंथ्स। उसके बाद आपने एस्टेब्लिश करना है कि वेन द वीनिंग डाइट और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग वॉज स्टार्टेड, ठीक है। तो वो आपने डॉक्यूमेंट करना है। ठोस गिज़ा इसको देना कब शुरू की थी, क्या क्या ठोस गिज़ा देते थे, बच्चे की एज के अकॉर्डिंगली आपने पूछना है। अगर बच्चा बड़ा है तो फिर आप उससे बैलेंस्ड डाइट के बारे में पूछेंगे, ठीक है। वो क्या होती है, आपने उसे 5 मोडेलिटीज़ में पूछना है, 5 डिफरेंट फूड टाइप्स में पूछना है। क्या बच्चा मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स लेता है, लाइक योगर्ट, दही है, मलाई है, मक्खन है, ये लेता है कि नहीं लेता। सेकेंड आपने उससे पूछना है मीट एंड इट्स प्रोडक्ट्स, लाइक मछली का गोश्त खाता है, मुर्गी का गोश्त खाता है, छोटे जानवर का गोश्त खाता है, बड़े जानवर का गोश्त खाता है कि नहीं खाता। देन आपने उसने पूछना है हिस्ट्री ऑफ इनटेक ऑफ लीफी वेजिटेबल्स, देन नट्स एंड बीन्स, दालें खाता है कि नहीं खाता। ये पूछ लेने के बाद आपने इसकी फैमिली हिस्ट्री लेनी है। एंड व्हाट इज़ फैमिली हिस्ट्री, आपने एस्टेब्लिश करना है कि वेदर द बेबी वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ कंसिग्वेनियस मैरिज। अगर माँ बाप आपस में रिश्तेदार हैं सो यू वुड से द बेबी वॉज प्रोडक्ट ऑफ कंसिग्वेनियस मैरिज। उसके बाद हाउ मैनी सिबलिंग्स आर देयर, इज़ देयर एनी हिस्ट्री ऑफ डेथ ऑफ अ सिबलिंग। अगर कोई बच्चा फोर्थ हुआ है तो यू विल डेफिनेटली हैव टू डॉक्यूमेंट द कॉज एंड एज ऑफ एडमिशन, एज और एज ऑफ डेथ। कि अगर एक बच्चा 9 साल की उम्र पर फोर्थ हुआ था तो वट वॉज द कॉज ऑफ डेथ। अच्छा, वेदर देयर कोई बच्चे ज़ाया तो नहीं हुए, आपने अगर जो बच्चे ज़ाया हुए हैं तो इंट्रा यूट्राइन डेथ की आपने या मिस कैरेजेस की आपने उधर डॉक्यूमेंट करना है, और किस मंथ पे वो हुए थे एंड व्हाट वाज द कॉज ऑफ डेथ। तो इस तरह से आपने पूरी, इसके ऊपर भी एक और वीडियो बनाएंगे, पेडिग्री के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाएंगे। इसके बाद पर्सनल हिस्ट्री आप ले सकते हैं। पर्सनल हिस्ट्री में आपने पूछना है हाउ इज़ द स्लीप पैटर्न एंड हाउ इज़ द एपिटाइट ऑफ द बेबी, ठीक है, एंड हाउ आर द बाउल हैबिट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछ लें। अच्छा, फैमिली हिस्ट्री में कुछ केसेस में फैमिली हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मेडिसिन में फैमिली हिस्ट्री इस एस्पेक्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ इन द फैमिली लेते हैं। लेकिन पीड्स में अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आपके पास सीवियर डिसऑर्डर के साथ आया तो सो यू वुड हैव टू डेफिनेटली आस्क द हिस्ट्री ऑफ फिट्स इन अदर फैमिली मेम्बर्स, हिस्ट्री ऑफ फिट्स इन अदर सिबलिंग्स, ठीक है। तो कुछ केसेस में, या एक बच्चा है वो एस्मा के साथ आपके पास आया है, सो यू वुड डेफिनेटली हैव टू आस्क द हिस्ट्री ऑफ एस्मा इन अदर फैमिली मेम्बर्स। आखिर में सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री लेनी है। उसमें आपने पूछना है कि आपने डायरेक्टली नहीं पूछना कि आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, बल्कि कुछ क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आपका घर कितना बड़ा है, आप मड हाउस में रहते हैं, पक्के घर में रहते हैं, कच्चे घर में रहते हैं, घर में कितने कमरे हैं, आपके ड्रेनेज का क्या सिस्टम है, पानी कहाँ से लाते हैं, पानी का क्या सिस्टम है। और जनरली आप पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द एवरेज इनकम ऑफ द जो केयर टेकर है वो, और कितने कमाने वाले हैं और कितने बंदे घर में खाने वाले हैं। सो यू विल हैव टू बिल्ड अ जनरल इम्प्रेशन अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द चाइल्ड और देयर पेरेंट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट हिस्ट्री टेकिंग। वी वुड कीप ऑन मेकिंग गुड वीडियोज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर ये मेरा पेज सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।